सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज उनकी जयंती है और इस मौके पर लखनऊ में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की। देश भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 126वीं जयंती के अवसर पर आज पूरे देश के अंदर भारत माता के इस महान सम्बोध को पूरा देश स्मरण कर रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में दलितों, गरीबों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता से मुक्त करके राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए भारत के जिस संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इस देश में आर्थिक विषमता और इस देश के अंदर सामाजिक समता की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों के लिए भारत सरकार ने एक भीम ऐप का शुभारंभ आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। हम इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा आर्थिक समानता, सामाजिक समता और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए इस देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं को बार बार स्मरण करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चल करके उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सेवाओं के प्रति श्रद्धा और नमन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।